सर्वासादिके शरणे तुमके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों श्लो जय जयकरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। तो साथियों, मैं अपने तमाम वीडियोस के माध्यम से आपको बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी हवन जप के, तप के, बिना किसी मंत्र जाप के कैसे ग्रहों को अनुकूल किया जाए, इसके विषय में आपको मैं अलग अलग वीडियोज में अलग अलग ग्रहों के विषय में आपको बता रहा हूँ। क्योंकि साथियों, सभी धर्म में पूजा नहीं होती है और हिंदू धर्म में भी सभी लोग पूजा नहीं करते हैं। कुछ लोग आज समाजी होते हैं तो पूजा बिल्कुल नहीं करते हैं, कुछ अन्य भी होते हैं, वो कुछ नास्तिक होते हैं वही पूजा नहीं करते हैं, कुछ लोग आस्तिक होते हुए ही पूजा नहीं करते हैं। तो आज के ज़माने में सभी लोग शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि कैसे शॉर्टकट में ज़्यादा काम हो जाए, कैसे कम मेहनत में ज़्यादा धन मिल जाए, कैसे कम परिश्रम से हम ज़्यादा सुख का अनुभव करने लगे। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे उपाय आपको बताऊं जिनको करके आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकें। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि शुक्र ग्रह यदि आपका कमज़ोर है अथवा शुक्र ग्रह जो है कुंडली में छठें, आठवें अथवा बारहवें भाव में बैठा हो, अथवा किसी शत्रु अथवा क्रु ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसा गुरु, ऐसा शुक्र जो है परेशानी पैदा कर सकता है। तो साथियों, शुक्र क्या देता है, क्या लेता है? तो स्त्री धन संपदा का कारक है, ऐश्वर्य और पुरुषों में वीर्य का कारक होता है, वीर्य को और भोग विलास, वाहन, ये सब चीज़ें शुक्र के अधीन मानी जाती हैं। यदि शुक्र कुंडली में, जैसे मैंने बताया कि छठे, आठवें, बारहवें हो, अथवा इन चीज़ों में आपको कमी हो रही हो, अब सबकी कुंडली नहीं बनी होती है, तो जैसे मैंने बताया कि धन संपदा, ऐश्वर्य, पति पत्नी के वैवाहिक संबंध में परेशानी, वाहन सुख में कमी, और इस तरह कोई वीर्य रोग हो, इस तरह से जो कोई परेशानी हो, तो इसमें एक कारण शुक्र का प्रतिकूल होना भी हो सकता है। तो साथियों, अब उसको हम कैसे अनुकूल किया जाए? तो सफ़ेद रंग के पत्थर पर चंदन, चंदन घिस करके, सफ़ेद चंदन जो होता है, चंदन दो तरह के होते हैं, लाल और सफ़ेद दो तरह के होते हैं, तो सफ़ेद चंदन को घिस करके सफ़ेद रंग के पत्थर पर उसको तिलक लगा करके और पानी में बहा दीजिए, अथवा चांदी के टुकड़े पर शुक्र का यंत्र खुदवा करके रेशमी रंग के कपड़े में लपेट करके शुक्रवार को नीम के वृक्ष के नीचे दबा दीजिए। ये तो उपाय हो गई। और दूसरा उपाय क्या होगा? सरकंडा जो होता है, देखता हूँ पानी की जगह होते हैं, वो सरकंडा होता है, तो सरकंडा की जड़ को ला करके उसको धो धा करके सफ़ेद रंग के धागे में उसको लपेट करके और सफ़ेद रंग के माला के धागे बना करके उसको गले में धारण कर लीजिए। कोशिश करें कि यह जो माला पहनने जा रहे हैं तो शुक्रवार के दिन सुबह हम सूर्योदय से एक घंटा के अंदर अंदर ज़्यादा पहन लेते हैं तो वह माला ज़्यादा कारगर होगी, वह शुक्र ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा, आप परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। तो आशा है कि यह बिना किसी पूजा पाठ के जो हमने आपको उपाय बताया, आप इससे सहमत होंगे, आप इसका लाभ उठाएंगे, और यदि आप जो हमने परेशानियाँ बताई उन परेशानियों से गुजर रहे होंगे तो आप समझें कि हो सकता है कि इसमें शुक्र का कोई योगदान हो, तो आप इससे अपना जो परेशानी उससे बचने का उपाय करें। आशा है कि इससे आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।